जरूरतमंद को पेंशन मिल रहा है, लेकिन एक गांव ऐसा भी है जहां दर्जनों जरूरतमंदों को सालों से पेंशन नहीं मिल रहा है। हर बार ये आवेदन देते हैं पर हर बार इनको आवेदन स्वीकार नहीं किया जाता है। तो पेंशन की कई योजनाएं चलाई जा रही है ताकि गरीब तबकों को सुविधा मिले, लेकिन आज भी कई ऐसे गरीब परिवार हैं जिन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। ये परिवार आज भी पेंशन के लिए सरकारी महकमे की बाट जो रहे हैं। दर्जनों लोग पेंशन से वंचित, कई दिव्यांग महिला पुरुष हैं शामिल। पेंशन की सारी शर्तें करते हैं पूरी, पेंशन के लिए कई बार दिया है आवेदन, हर बार आवेदन की हो जाती है छटनी। ये तीनों महिलाएं सदर प्रखंड के पांडु बथान पंचायत की रहने वाली हैं। दुर्भाग्य से ये तीनों ही सालों पहले विधवा हो गई। विधवा पेंशन योजना के लिए इन लोगों ने फॉर्म भी भरा, लेकिन आज तक इन्हें विधवा पेंशन नहीं मिला। इसी प्रकार इस गांव में कई बुजुर्ग महिला और पुरुष दोनों हैं जिन्हें वृद्धावस्था पेंशन नहीं मिल रहा है। अब जरा इस विकलांग बुजुर्ग को देखिए, क्या इसे पेंशन नहीं मिलना चाहिए? इसी तरह इस गांव में दर्जनों ऐसे लोग हैं जिन्हें वास्तव में पेंशन मिलना चाहिए, लेकिन उन्हें नहीं मिल पा रहा। की बोलो की बोलो बोलो हेतो हेतो यार कहां हेला तो पैसा भी खर्चा कर लो। पैसा एक बेर 1000 खर्चा करेंगे। 1000 उम्र तो के 60 के ऊपर है, हमर चलो छोटो के लाग 60 से ऊपर है ग्रोथ हमर की यहां। तो सरकार तरफ से कोई फायदा? हां सर कोई फायदा नहीं हमरा होता है, वो लोग को जाकर भेड़े हैं तो कहां पैसा दिया। वृद्धा पेंशन नहीं सर? नहीं कुछ नहीं मिल रहा है सर। दिव्यांग पेंशन विकलांग पेंशन भी नहीं मिलता? नहीं कुछ नहीं मिलता। खर्चा पर ले लिया, अभी तक नहीं हो चुका है। 1000 का खर्चा दिया ध्यान जी, सही बोलो। हाँ कोई आता है कि नहीं देखने के लिए? कोई नहीं आया अभी। आखिर इन ग्रामीणों को पेंशन क्यों नहीं मिलता जबकि ये सारी शर्तों को पूरा करते हैं? हमने इस बारे में पूछा गोड्डा ब्लॉक के वीडियो से। पंचायतों में पांडु बथान में भी पेंशन सैंक्शन हुए हैं, बट इन दो पर्टिकुलर गांव जिसका अपना पेंशन लगा था तो उसको हम लोग जैसा भी देख रहे हैं कि 18 मुख्यमंत्री वाला जो पेंशन स्कीम है वृद्धावस्था का उसमें है। विधवा में थोड़ा टारगेट्स कम है हमारे पास अभी, तो उसके लिए भी हम लोग संख्या एक अप्रोक्सीमेट नंबर हम लोग को उपायुक्त महोदय द्वारा बोला गया है कि आप लोग चेक करके अपने स्तर से देख करके रखिए। और अब कोटा और लक्ष्य की बात की जा रही है, इन सरकारी बाबुओं की सरकारी भाषा में आम ग्रामीण उलझ कर रह गया है। सवाल ये उठता है कि यदि कोटा के अनुसार पेंशन बांट दिया गया तो ये ग्रामीण कैसे छूट गए? दूसरी बड़ी बात ये है कि केवल एक गांव के ही लोगों के साथ ऐसा सौतेला व्यवहार क्यों है? जरूरत है इन दोनों सवालों के जवाब तलाशने की। गोड्डा से नरेंद्र की रिपोर्ट। तो मेरे साथ फिलहाल स्प्रेड में इतना ही, देखते रहिए न्यूजीलैंड भारत।